टू माय चैनल मॉम स्टोरी। अगर आप नए नए अभी माँ बने हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप अपना बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि न्यू बॉर्न एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, हम न्यू बॉर्न्स के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और कुछ केसेस में उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जरूरत है कि आपको बेबी को फॉर्मूला फीड ही देना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप कौन सा फॉर्मूला देंगे ये डिसाइड कर लें। और उसके साथ आपको जरूरत होगी गर्म पानी रखने के लिए फ्लास्क की। ये ना सिर्फ बेबी के लिए, ये आपके लिए भी जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको कुछ दिनों तक सिर्फ बॉइल्ड एंड कूल वाटर या फिर वार्म वाटर ही पीना पड़ेगा। इसके साथ आपको रखना होगा एक वाटर बॉटल। मैंने एक स्टील का वाटर बॉटल रखा हुआ है जिसमें मैं बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी बेबी का फीड बनाना पड़े तो मुझे पानी ठंडा करने की अलग से जरूरत ना पड़े। मेरे पास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों रेडिली अवेलेबल रहता है। फिर आपको जरूरत होगी फीड की, फॉर्मूला फीड की। आप कौन सा फॉर्मूला देंगे ये आप डिसाइड कर लीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। मेरे पीडियाट्रिशियन ने मेरी बेटी को ये वाला फॉर्मूला देने के लिए सजेस्ट किया, तो हेंस आई एम गोइंग विद सिमिलैक। एंड वन मोर थिंग, सिमिलैक में एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लैक्टोज इनटॉलरेंट बेबीज के लिए बहुत ही अच्छा है कम्पेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट। ये छोटा होता है तो उसको यूजली चम्मच से पिलाया जाता है या फिर सिरिंज से पिलाया जाता है या ड्रॉपर से पिलाया जाता है, तो फीडिंग बॉटल अभी लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेज में आता है कि जब आपका बेबी थोड़ा सा 1-2 महीने का हो जाता है, एंड इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क, तब आपको फॉर्मूला फीड देना होगा। देन यू विल नीड ए फीडिंग बॉटल। तो फीडिंग बॉटल के लिए आप किसी अच्छे कंपनी के फीडिंग बॉटल्स ही लीजिए, क्योंकि उसमें कॉलिक प्रिवेंटेबल टीट्स होते हैं, इसीलिए आप किसी भी अच्छे कंपनी का लीजिए, लाइक चीकू का हो गया या फिर फिलिप्स का हो गया। करती हूँ फिलिप्स 7 का बॉटल मेरी बेटी के लिए, जो कि 4 मंथ्स की है अभी। तो ये आपका 125 ml का है, इसके इससे बड़ा साइज भी आपको मिल जाएगा, इससे छोटा आपको नहीं मिलेगा। फिलिप्स 7 में और भी बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल हैं, तो मुझे जो कम्फर्टेबल लगा मैंने ये लिया है। आपको अगर कोई और मॉडल पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं बेबी की स्किन केयर के ऊपर, क्योंकि जैसे ही बेबी पैदा होता है तो उसको नहलाना होगा, आपको उसको मसाज करना होगा, लोशंस लगाने होंगे, बाल धोने होंगे अगर बाल हैं आपके बच्चे के। तो मेरी बेटी के तो बहुत सारे बाल हैं, तो मेरे को day 1 से ही उसके बाल धुले जा रहे हैं उसके। तो स्किन केयर में आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस। मैं यूज करती हूँ सेटाफिल लोशन, जो कि बहुत ही माइल्ड है, मसाज कर सकते हैं। आप कोई और मसाज ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और घरेलू ऑयल भी यूज करते हैं, जैसे कि सरसों तेल यूज होता है, या फिर कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया। आप अपने बच्चे के स्किन के हिसाब से कोई भी ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कैस्टर ऑयल यूज करती हूँ वैसे नहाने के पहले उसको मसाज करने के लिए, लेकिन पोस्ट बाथ या फिर बिफोर बेड मैं उसको मसाज करती हूँ सेटाफिल लोशन से। तो बाथिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ डव का बेबी सोप, जो कि काफी कंफर्टेबल है। इसके अलावा आप हिमालय का यूज कर सकते हैं, जॉनसन का यूज कर सकते हैं, और मेरी बड़ी बेटी के लिए मैं यूज करती हूँ टेडी बार, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो एज पर हर पीडियाट्रिशियन मुझे और कोई सोप चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो टेडी बार भी बहुत अच्छा मतलब सोप है, माइल्ड है, और सेंसिटिव स्किन अगर है आपके बच्चे का तो वो आप जरूर यूज कर सकते हैं। हेयर वॉश के लिए आई एम यूजिंग बेबी डव शैम्पू। ये क्रीम बहुत काम आता है जब स्पेशली अगर थोड़े से रैशेस हो गए हो या मॉस्किटो बाइट्स हो गया हो, या फिर बेबी की स्किन अगर बहुत ड्राई है तो ड्राई एरियाज में आप ये क्रीम लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम ये वाला क्रीम मैं डायपर रैशेस के लिए पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए, मतलब मेरी बड़ी बेटी के लिए मैंने ये यूज किया है, अब मैं अपने छोटी बेटी के लिए भी ये यूज करती हूँ। किसी भी तरह के रैशेस के लिए ये क्रीम बहुत ही सूटेबल है। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ सकती है एक ऐसे पाउच की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही क्यूट सा पाउच है। इसमें मैंने अपनी डॉटर का नाम भी यहाँ पे एम्बेड करवाया है। तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी रखने की सारे नैपीज की,
बेबी का जबला, बेबी का आपको मतलब बनियान, ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप डायपर भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो बेबी क्लोथिंग में आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो है जबला। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप के जबले जो है न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कि फ्रंट बटन वाले जो जितने भी आप ले सकते हैं आप ले लीजिए, और अगर फ्रंट बटन वाले नहीं मिल रहे हैं तो ऊपर से बांधने वाले भी आते हैं वो भी लीजिए। बट बांधने वाला फिर भी बेबी को थोड़ा चुभ सकता है, दब सकता है, उतना कंफर्टेबल नहीं होता बच्चा। तो आप जो भी है आप इस तरह का एक फ्रंट ओपन वाला जबला बच्चे के लिए खरीद के रख लीजिए, कम से कम एक दर्जन। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी नैपीज की, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सुसु करते हैं और पॉटी भी करते हैं कुछ बच्चे, तो आपको नैपीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह से डबल लेयर्ड वाले नैपीज ले सकते हैं या सिंगल लेयर्ड भी आप ले सकते हैं, और कोशिश करिएगा स्क्वायर वाले नैपीज लेने का। स्क्वायर वाले नैपीज जो है बच्चे के जो बम है पूरी तरह से कवर कर देती है, कहीं से कुछ भी नहीं दिखता है, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। एक बार आप वॉश कर लेते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा आप कॉटन के नैपीज भी बनवा सकते हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, जो कि टिपिकल ट्रायंगल जो यूज किया जाता है नैपी, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं हमेशा स्क्वायर वाले प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगा बिब का, क्योंकि बच्चे जब दूध पीते हैं तो वो स्पिटअप करते हैं, वॉमिट करते हैं कभी कभी, तो आप बिब लगा सकते हैं जब भी आप फीड करा रहे हैं बेबी को, सो दैट कि दूध जो है वो स्पिल ना हो। तो आपको इस तरह से कम 5 से 6 आप बिब रख लीजिए, मोस्ट मोर देन एनफ। बहुत ही ज्यादा ओवर रेटेड आइटम्स जो है, या फिर जो आपको गिफ्ट में मिलेंगे, या फिर हो सकता है आप खुद इतने मन से खरीदेंगे, वो है मिटन्स एंड सॉक्स, जो कि बच्चे नहीं पहनते हैं। आप 1-2 महीने तक तो पहना लीजिए, गर्मी का सीजन है, बच्चों का बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता है, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर किड्स, लेकिन मेरे बच्चों ने तो नहीं पहना, और एट द सेम टाइम मेरे सिस्टर है, मेरी कजिन के बच्चे हैं, उन्होंने भी मैंने कभी देखा नहीं कि ये पहना हो, बट स्टिल आप 2 पैर रख सकते हैं। आप देन यू कैन यूज इट फॉर योर न्यू बॉर्न बेबी। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैप्स। कैप्स तो मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत ही क्यूट क्यूट से कैप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कैप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सूटेबल होगा आपके बेबी के लिए वो होगा कॉटन का कैप। बहुत ही सिंपल सा ऐसा कैप आपको आएगा, ये सेट में आता है, ये 6 का सेट है ये। तो मैं आपको एक कैप दिखा रही हूँ, आप इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं और आप अपने बेबी को ऐसे पहना सकते हैं, जैसे कि पूरा कान उसका ढक जाता है, क्योंकि बच्चे एसी में सोते हैं और अगर ठंडा हवा चल रहा है तो फिर ये उनका कान ढकने के काम आएगा, सर और कान ढकने के। हर किसी का जो फेवरेट क्लॉथ है या फिर जो बेबी शूट के लिए लोग बहुत ही ज्यादा इसको यूज करते हैं वो है वंसीज। आप ऐसे वंसीज भी ले सकते हैं, आप रात में जब बच्चे को सुलाएंगे तो आप उस टाइम पे आप डायपर पहना दिया करिए, क्योंकि बच्चा आराम से सो पाता है तब। डायपर रैशेस की चिंता मत करिए, रात भर अगर आप सुलाना चाहते हैं डायपर में तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं इतने साल से कर रही हूँ तो आई हैव सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप वंसीज भी खरीद के रख सकते हैं बेबी के लिए, ताकि पूरा ऊपर से नीचे तक बेबी ढका रहे। वंसीज में आपको मार्केट में ऑनलाइन स्टोर्स में बहुत वैरायटीज मिल जाएंगी, आपको जैसा चाहिए आप वैसा परचेज कर सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है और आप घर में भी उसको आराम से बना सकते हैं, या फिर अवेलेबल रिसोर्सेस के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको इस तरह के व्हाइट कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, टॉवल्स की। तो बींग ए साउथ इंडियन, मेरे घर में ये व्हाइट कलर का कपड़ा या गमछा आप कह लीजिए, ये बहुत सारा अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, जो मैं यूज करती हूँ। बेबी को जब बर्प कराना होता है तो इसको ऐसे रख के बर्प कराइए, तो आपके भी कपड़े गंदे नहीं होंगे और आराम से ये यूज हो जाएगा। अगर आपको बेबी को नहलाने के बाद उसको रैप करना है और आपके पास रैप नहीं अवेलेबल है, तो आप इसको रैप की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज है ये टॉवल, तो ये आप छोटे बच्चे को लेने में भी तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा अगर बड़ा टॉवल है तो उसको फोल्ड करके ऐसे आप बेबी को अपनी गोद में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए हॉस्पिटल विजिट्स में आप जाते हैं और आपका बेबी डायपर गंदा हो जाता है, डायपर आपको चेंज करना है, तो आप इस तरह का एक डायपर चेंजिंग मैट भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो
अगर आपके पास डायपर चेंजिंग मैट नहीं है तो आपके पास अगर बेड प्रोटेक्टर है या फिर कोई और प्लास्टिक शीट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है पूरा एक सेट, जिसमें ये डायपर चेंजिंग मैट है और एक हॉस्पिटल बैग या फिर आप कह लीजिए कि बेबी बैग भी है, जो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखाऊंगी जब मैं स्पेसिफिकली उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी। तो ये हो गया आपका डायपर चेंजिंग मैट। न्यूबॉर्न बेबीज का जो है वो हेड फिक्स नहीं होता है, तो उसके लिए आप चाहे तो इस तरह का एक हेड सपोर्ट पिलो आप मंगा सकते हैं। इसकी बहुत अलग अलग वेराइटीज के आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो मैंने ऐसा वाला एक पिलो मंगाया है जिससे मुझे काफी हेल्प मिली मेरी बेबी के हेड को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बेबी का हेड बहुत ही लूज होता है, अपने हेड फिक्स नहीं होता है उस टाइम पे। तो ये आप एक हेड प्रोटेक्टर पिलो भी आप रख सकते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी एक छोटे से मिंक ब्लैंकेट की, जो मैं अपनी बेबी के लिए यूज करती हूँ। तो ये कोई भी बच्चे यूजुअली वो ओढ़ते नहीं है, लेकिन आप जो है एक रख लीजिए, क्योंकि तो ठंडा अगर लगता है ऐसी से बेबीज को तो आप बार बार इसको उड़ा सकते हैं। ओके, बेड प्रोटेक्टर मैट ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे इतनी बार सूसू करते हैं कि आपका बेडशीट दोनों ही गंदा हो सकता है। तो आप एक बेड प्रोटेक्टर मैट जरूर रखिए। ये अलग अलग साइज में मिल जाता है, पर न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये साइज काफी है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, इतना ये साइज काफी होता है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप इसका बड़ा साइज भी आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए डायरेक्ट आप बेड पे ना सुला के एक छोटा सा गद्देदार कुछ भी उनके लिए जरूरत होता है, तो ऐसा छोटे बेड्स भी अवेलेबल आपको होंगे मार्केट में जो मॉस्किटो नेट के साथ मिलते हैं। तो अभी ऑलरेडी मेरी बेबी सो रही है उस नेट में, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक मॉस्किटो नेट के साथ का बेड भी मिलता है और अलग से मॉस्किटो नेट भी आपको मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मॉस्किटो नेट ऊपर से डाल रहे हैं तो नीचे बिछाने के लिए अगर आपके पास वैसे स्पेसिफिक कोई बेड नहीं है तो आप इस तरह के कॉटन की साड़ियां जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में जैसे दादी नानी के टाइम पे होता था कि उस तरह की साड़ियां वो सिल देते थे इसको, ताकि ये गद्देदार कुशन टाइप बन जाए और ये बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए बराबर तरीके से इसको यूज हो जाते थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन साड़ीज भी यूज कर सकते हैं। हर चीज के लिए खर्चा करना जरूरी नहीं है। तो मैं एक और चीज बोलना भूल गई, जो पाउडर मैं यूज करती हूँ, और मैं पाउडर यूज करती हूँ सिर्फ काजल लगाती हूँ मैं यहाँ पे माथे पे और गाल पे नजर के लिए, बस उसके ऊपर लगाने के लिए। अदरवाइज मैं पाउडर यूज करना प्रेफर नहीं करती हूँ। पीडियाट्रिशियंस भी आजकल पाउडर लगाने के लिए मना करते हैं, बट अगेन ये एक पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप जरूर लगा सकते हैं। ये सारी बेबी की एसेंशियल, न्यूबॉर्न बेबी की एसेंशियल, या फिर आप कह सकते हैं 0 to 3 months के बेबी की ये सारी एसेंशियल्स थी। तो अब आप लिस्ट बना लीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी लिस्ट दे दी है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि बेबी को देसी दवाई कौन सी देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए जो भी कंटेंट लेके आती हूँ वो सबसे पहले आपको। नहीं तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मॉम स्टोरी।